बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहां आज हम डिस्कस करेंगे जी टॉर्क के बारे में। थोड़ा बहुत जो है, नहीं पहले तो आपको पता भी है कि टॉर्क क्या होता है जी, क्लास 9-10 में मेरे ख्याल में पढ़ भी चुके हैं, और थोड़ा बहुत क्रॉस प्रोडक्ट जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उधर भी टॉर्क का हमने जिक्र किया था। आज थोड़ा सा जो है तो इसको मजीद एलैबोरेट करेंगे जी। सो टॉर्क, सबसे पहले लिखेंगे जी डेफिनेशन ऑफ टॉर्क क्या है जी। दिस इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, ठीक है जी। द टर्निंग इफेक्ट या द रोटेशनल इफेक्ट, द रोटेशनल या द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड टॉर्क। लेकिन इसकी वजह है ड्यू टू सम अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू सम अप्लाइड फोर्स। इस फोर्स का जिक्र इधर इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर्मूले में ये फोर्स है। सो द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू सम अप्लाइड फोर्स। अभी तक जो हम यानी जनरली जब हम कोई बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो वो कोई एक्सेलरेशन कवर करता है। टॉर्क में हम ये पढ़ते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर किसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो रोटेट करता है अलोंग सम पॉइंट, ठीक है जी। और रोटेशन क्या होता है जी, रोटेशन सर्कुलर मोशन है, और उसके फिर दो डायरेक्शंस है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे जी। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू सम अप्लाइड फोर्स, इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं जी। इसके कई सारे नाम हो सकते हैं जी, जो आपकी बुक में लिखा हो उसी के साथ जाए। फॉर्मूला, मैथमेटिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो द मैथमेटिकली द फॉर्मूला इज व्हाट, दैट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द मोमेंट आर्म इनटू व्हाट, मोमेंट आर्म इनटू द अप्लाइड फोर्स, मोमेंट आर्म इनटू द अप्लाइड फोर्स। अब मोमेंट आर्म क्या है बताते हैं जी, फोर्स क्या है आपको पता है जी, ठीक है जी। मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, किधर से किधर तक, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू the point of application of force, point of application of force। अब इसमें मजीद दो बातें आ गई, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, इसमें एक बात आई एक्सिस ऑफ रोटेशन की और दूसरी बात आई द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। तो ये क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दैट एक्सिस और दैट लाइन अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स, दैट लाइन अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स क्या है जी। इधर मैंने मेरे ख्याल में लिखा भी होगा अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ये लिख ले। चले एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है जी, द लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, या फिर द लाइन अक्रॉस अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स, द लाइन अबाउट विच बॉडी रोटेट्स। अच्छा जी, ये किस इसका क्या मतलब हुआ तो आपको ये भी बताता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये एक बॉटल ले रहा हूं जी, और वो रेंच तो मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मेरा रेंच कहीं घूम गया यार, ये इसमें नहीं आएगा। लेकिन चले आप कंसिडर करें कि ये जो है इसको मैं टाइट कर रहा हूं या ओपन कर रहा हूं, तो देखिए मेरा एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है जहां पे मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है जी, वो मेरा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। और इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो इसको जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये टर्न होगा, इसको मैं कहता हूं इस बॉटल में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक हो गया जी।
अब इधर जिधर से मैंने पकड़ा हुआ है इसको, दिस इज द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये वो पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है, यहां अगर आप एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करें इस बॉटल के बिल्कुल यू नो सेंटर में, तो इसके इर्द गिर्द ये रोटेट होगा, इसको कहते हैं जी एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, अब ये लाइन आउटवर्ड्स है, टूवर्ड्स यू है, और इसका परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द बोर्ड है, तो आप देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टिल माय हैंड, दिस इज द मोमेंट आर्म, इसको आप कहते हैं जी मोमेंट आर्म, समझ आई, और वो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या होगा जी, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, समझ आई, बिल्कुल आई। तो आपको लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन की भी समझ आ गई, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की भी समझ आ गई। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है तो एक इमेजिनरी एक्सिस है, यानी आपने देखा कोई लाइन तो नहीं है जी, है कि नहीं है, बिल्कुल है। सिमिलरली जब आप दरवाजे की बात करते हैं अपने डोर की, आपको समझाएंगे डोर की मदद से, तो उसके जो हिंजेस होते हैं वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है टूवर्ड द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये तो आ गई जी मोमेंट आर्म की बात, ये आ गई जी फोर्स की बात। अब इसको मैं लिखता हूं जी टाउ, टाउ इसका सिंबल है जी, इसको टाउ कहते हैं, टी ए यू, और ये होगा जी आर इंटू एफ, मैंने लिख लिया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अब अगर आप देखें, अब अगर मैं कंसिडर करूं ये जो है, ये लेट सपोज वो एक एक मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, जो भी है इधर से ये फिक्स्ड है, इधर से ये फिक्स्ड है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये आपका डोर है, और इसके ऊपर आप इधर एक फोर्स लगाते हैं जी, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगा, ठीक। अब इसका मोमेंट आर्म क्या है जी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो ये है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द मोमेंट आर्म एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और इस आर को आप इस एफ के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको आपका रिक्वायर्ड टॉर्क मिल जाता है। लेकिन हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर मैं इस लाइन को यहां पे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, ये आपका आर यहां तक है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या ये थीटा आर और एफ के दरमियान कोई एंगल थीटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो देखे क्या ये एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या ये वाला एफ का एक्स कंपोनेंट होगा कि नहीं, पैरेलल। जब आप किसी एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो एक कंपोनेंट उसके पैरेलल होता है और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर होता है। तो देखे एफ वाई इधर जो है एफ साइन ऑफ थीटा होगा, और एफ एक्स इधर एफ कॉस ऑफ थीटा होगा। तो जो एफ एक्स है वो है जनाबे अली पैरेलल टू आर, और जो एफ वाई है वो है परपेंडिकुलर टू आर। और इधर आप देखिए, हमने टॉर्क की बात की कि ये फोर्स इस मोमेंट आर्म पे जब एक्ट करेगा तो ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो क्या आप इधर से मुझे बता सकते हैं कि इधर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है? ऑफ कोर्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है एफ साइन ऑफ थीटा, ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो एफ कॉस ऑफ थीटा है ये तो कोई रोटेशन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये तो उसी मोमेंट आर्म के साथ क्या है जी, इन फेज है या इन लाइन है। तो अगर आप दरवाजे को अपनी तरफ खींचे या दरवाजे को टुवर्ड द हिंज पुल करे, तो क्या दरवाजा खुलेगा, बंद होगा, कोई रोटेशन करेगा? नहीं करेगा जी। तो इसका मतलब एफ कॉस ऑफ थीटा या एफ एक्स आप कह सकते हैं कि बैलेंस कर रहा है इस दीवार के फोर्स को, या अट्रैक्टिव फोर्स या जो भी है जी, उसको आप गोली मारे, हमारे काम का ही नहीं है जी। हमारे काम का इधर क्या है जी, एफ वाई है, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टू आर। सो दिस इज आवर इफेक्टिव कंपोनेंट, और इफेक्टिव का मतलब आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि ये वो कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इस फिनोमिना के लिए। तो इसको टॉर्क के फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं आर टाइम्स एफ साइन ऑफ थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या हमने क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह डिफाइन नहीं किया था, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, या फिर इधर मैंने वो दूसरा जो आपको बताया था बी साइन थीटा, तो क्या हम अगर लिख सकते, क्या इस तरह नहीं लिख सकते ए क्रॉस बी? क्या हमने इस तरह डिफाइन नहीं किया था ए इंटू बी साइन ऑफ थीटा विद एन एन यूनिट वेक्टर?
किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था. क्या आपको यह नजर नहीं आ रहा? आर इंटू एफ साइन थीटा. तो क्या आप क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पर नहीं पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए जी. तो इसका मतलब टॉर्क को मैं डिफाइन करता हूं जी, आर क्रॉस एफ, इधर से मैं लिख सकता हूं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होगा विद इन एनी यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन आपको समझाते हैं, अभी तक आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड समझाया. समझ आई? नहीं आई? आ गई जी, क्यों नहीं? कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन आपके लिए है. और एक बात, थोड़ा सा इंतजार कीजिए जी, आपको दरवाजे के ऊपर चलकर समझाएंगे जी. ठीक है जी. तो आर एफ साइन ऑफ थीटा डायरेक्शन, थोड़ी बहुत इधर बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में. आर क्रॉस एफ है कि नहीं है? बिल्कुल है. तो आर आपने जो है तो दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दिया. ये आपका आर है जी, ये आपका एफ है जी. तो R क्रॉस F क्या होगा? ओ सॉरी, ये तो मैंने टेल्स को ज्वाइन नहीं किया जी. टेल्स को ज्वाइन तो इधर होगा. ये R है, ये F है, ये इनके दरमियान थीटा है. स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट, रोटेट योर फिंगर्स टुवर्ड द सेकेंड. R क्रॉस F की डायरेक्शन आपकी तरफ है कि नहीं है? बिल्कुल है. R क्रॉस F की डायरेक्शन अगर आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स का मतलब हम इसको ड्रॉ करेंगे जी अपवर्ड्स ऑन द ग्राफ. ग्राफ पेपर के ऊपर इसको अपवर्ड्स ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब है ये मुझे डायरेक्शन देगा एन यूनिट वेक्टर की, और ये होगा जी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. ये होगा जी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. किस तरह होगा इधर आपको समझ नहीं आएगा, डोर के ऊपर समझाएंगे. और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव टॉर्क लेते हैं. ठीक, बिल्कुल ठीक. सिमिलरली अब आपके जहन में यह भी आ सकता है कि हमने तो इसको अपोजिट भी पढ़ा था, एफ क्रॉस आर. क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन ऑफ थीटा? क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्यों नहीं लिख सकते? देखें, अगेन देखें, यह एक बॉडी है. बॉडी है कि नहीं है? बिल्कुल है. इधर से फिक्स्ड है, ये फोर्स है, ये उसका मोमेंट आर्म है. लेट सपोज ये वो आर है, ये वो थीटा है. अगर मैं इस लाइन को यहां पर एक्सटेंड करता हूं तो क्या ये वो थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. इधर से मैं ड्रॉ करता हूं जी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा पैरेलल. क्या ये आर का एक्स कंपोनेंट नहीं हो जाएगा? क्या ये आर का वाई कंपोनेंट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. हमने क्या कहा? द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इफेक्टिव. Perpendicular component is effective. Parallel component effective? नहीं है जी. Again, so R, RY क्या है जी? R sin of theta है कि नहीं है? बिल्कुल है. तो इसको मैं क्या इस तरह नहीं लिख सकता? That torque is equal to F cross R. तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं. और इसकी डायरेक्शन अब किस तरह होगी जी? इनसाइड होगी. जो इधर मैंने आउटवर्ड्स को एक्सप्लेन किया, तो इनसाइड द बोर्ड अगर हो, इनवर्ड्स अगर हो, तो उसको हम इधर एफ क्रॉस आर की अगर लेट सपोज आप बात करें, तो देखिए एफ क्रॉस आर इनवर्ड्स टू द बोर्ड है, उसको हम ग्राफ के ऊपर विद माइनस एन यूनिट वेक्टर शो करेंगे, जिसको हम ग्राफ के ऊपर डाउनवर्ड शो करेंगे. और ये जो है क्लॉकवाइज को शो करता है जी, क्लॉकवाइज रोटेशन को आपको जाएंगे. और बाय डिफॉल्ट इसको हम नेगेटिव लेते हैं. समझ नहीं आई? क्यों नहीं आई जी? बिल्कुल आई, मजाक कर रहा हूं. एनीवेज, तो ये बातें हो गई. और ये देखे, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर वही है. अगर अगर मैं इसको लेट सपोज टी टू कहता हूं, तो इसकी डायरेक्शन तो ऑफकोर्स ऑपोजिट होगी. सो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी टू होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा. अब यह सिंबल मैं अक्सर यह डायरेक्टली टी लिखता हूं, इस तरह नहीं है जी. ये एक curved sort of a T है, जिसको हम tau कहते हैं. मजीद मैं देखता हूं अगर इसमें कुछ बात है. बात है ना जी, एक बात रह गई. एक तो ये तो आपको समझ आ गया ना जी कि साइन ऑफ थीटा इसमें क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि साइन कंपोनेंट जो है इसमें इफेक्टिव है. अब इसमें आप देखिए कि ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो टॉर्क किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो ऑफ कोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है. जितना आपका ज्यादा फोर्स होगा, उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? जितना आपका, या लेट सपोज इसको आप मोमेंट आर्म जो आपने कहा है,
जितना आपका मोमेंट आर्म ज्यादा होगा उतना आपका टॉर्क ज्यादा होगा। और ऑफ कोर्स साइन ऑफ थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, और इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज अगर थीटा 0 degrees है, यानी कि अलोंग द मोमेंट आर्म है, तो देखिए एफ वाई कंपोनेंट नहीं होगा, सारा का सारा फोर्स एफ एक्स कंपोनेंट होगा। तो क्या ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? जी नहीं करेगा। तो साइन अगर 0 है तो इसका मतलब है कि टॉर्क इधर 0 होगा, और 0 आपने शो नहीं करना होता। 0 अगर आपने लिख दिया तो गलत, क्यों? क्योंकि ये वैक्टर है और इसको मैं नल वैक्टर शो करूंगा। समझ आई? बिल्कुल आई। सिमिलरली आपका थीटा इसी केस में अगर 180 डिग्रीज में लिखता हूं, तो अगेन टॉर्क आपका जो है वो नल वेक्टर होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन ऑफ 0 भी आप जानते हैं कि 0 है, और साइन ऑफ 180 भी आप जानते हैं कि वो भी 0 है। मैक्सिमम टॉर्क हासिल करने के लिए आपका थीटा 90 डिग्रीज है। सो टॉर्क वुड बी इक्वल टू डायरेक्टली द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ठीक हो गया जी? क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 90 डिग्रीज इज 1। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। एक बात इसमें और है जी, आपकी बुक ने इसको 270 पे भी मैक्सिमम कहा हुआ है। तो 270 मैं इधर इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमने पढ़ा था कि थीटा की रेंज जो है वो 0 से लेकर 180 के दरमियान है, और वो हमने क्यों कहा था कि इनर एंगल, इफेक्टिव एंगल के ऊपर हम बात करते हैं। अब जब आप 270 कहते हैं तो वो बेसिकली 270 नहीं है, वो बेसिकली -90 है, जो स्मॉलर एंगल है, इफेक्टिव एंगल है। तो 270 भी आप ले सकते, बिल्कुल ले सकते, उसमें आपका नेगेटिव मैक्सिमम आ जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन हमने चूंकि 0 से 180 कहा था तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक। और एक बात और, एक बात और, वो ये है कि जिस तरह फोर्स होता है उस तरह टॉर्क भी होता है। तो अगर आप कंपैरिजन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क करें, कंपैरिजन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, तो क्या होगा जी? फोर्स क्या करता है आप मुझे ये बताएं। फोर्स करता है जी किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपको कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए। अगर फोर्स आपने किसी बॉडी पे लगाया ऑफ मास m, तो ये आपको लीनियर एक्सेलरेशन देगा। टॉर्क क्या करता है जी? अगर किसी बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, आई एल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ जी, और चलते हैं जी डोर के ऊपर, जहाँ आपको ज़रा सा ये टॉर्क फिजिकली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है? तो और बस उधर से फिर वीडियो को वाइंड अप कर लेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो अब आपको टॉर्क फिजिकली ज़रा अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम डोर के पास आ गए। ठीक है? तो टॉर्क में मैंने दो बातें की, एक फोर्स की, एक मोमेंट आर्म की। मोमेंट आर्म क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आप किधर करते हैं? डोर के हैंडल के ऊपर। ठीक है जी? यहाँ पर फोर्स लग रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? जहां पर ये रोटेट करेगा। तो ये डोर के हिंजेस की जो लाइन है, तो ये लाइन आप अगर एक इमेजिनरी लाइन, जो मैंने कहा ये तो एक लाइन है, यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ये जो हिंजेस जहां पे लगे हुए हैं, इसके ऊपर, इसके अबाउट ये रोटेशन कर रहा है। सो मोमेंट आर्म इज फ्रॉम द हिंजेस टू दिस हैंडल, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन till the point of application of force. So this is what, this is the moment arm, or force यहाँ पर लग रहा है। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। अब आपका जितना मोमेंट आर्म ज्यादा होगा उतना ही कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क। आपने देख लिया, या फिर आपको एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे जी कि टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल है ना एफ के, अगर आर के, अगर एफ कांस्टेंट है, और सिमिलरली अगर एफ कांस्टेंट, अगर आर कांस्टेंट है तो एफ के प्रोपोर्शनल है जी। यानी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट आर्म द ग्रेटर फोर्स विल प्रोड्यूस मोर टॉर्क। बस ये दो तीन बातें थी। और सिमिलरली एंगल की मैंने बात की। अब एंगल मैंने कहा 90 डिग्रीज पर, थोड़ा सा इधर करे कैमरा, थोड़ा सा तो हिलाए ना यार। ठीक है जी? तो मैंने बात की कि 90 डिग्रीज पर मैक्सिमम होगा, तो इधर मैं 90 डिग्रीज पर पढ़ाऊंगा जी, तो ये मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम रोटेशन मुझे देगा। अब देखिए अगर मैं 180 डिग्रीज या 0 डिग्रीज पर लगा, तो देखिए मोमेंट आर्म यहां से लेकर वहां तक है, इसके पैरेलल में, देखिए इसके पैरेलल में उसको दरवाजे की आउटसाइड की तरफ पुश कर रहा हूं, क्या कोई रोटेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं प्रोड्यूस होगा जी, देखिए मैंने आपको बताया था। सिमिलरली 180 डिग्री पे यहां से यहां तक, इन दैट डायरेक्शन इज द पोजीशन वेक्टर फॉर द मोमेंट आर्म। 180 डिग्री इसका हिंज को मैं
आप इस मोमेंट आर्म की तरफ पुल कर रहा हूं जी, कोई रोटेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा जी। ठीक हो गया, बिल्कुल। ये हो गई आपकी पहली डेफिनेशन और फिर आपके एंगल्स। अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन मैंने आपको कहा था, लेट सपोज ये इधर खुला हुआ है, मैंने इसको बंद करना है, ठीक है जी। तो किस डायरेक्शन में फोर्स है, आपकी तरफ है कि नहीं है? बिल्कुल है। आर किस डायरेक्शन में है, इधर से है, तो आर क्रॉस एफ, आर की तरफ पाम को एक्सटेंड करें और एफ की तरफ रोटेट करें, तो डाउनवर्ड्स आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और डाउनवर्ड्स मैंने आपको क्या कहा, डाउनवर्ड्स ये क्लॉक वाइज, देखे क्लॉक वाइज रोटेट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ जी। देखे दोबारा, देखे जी, R और F में पुल कर रहा हूं, F इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स को देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये दरवाजा रोटेट हुआ और इसको हम नेगेटिव कहेंगे। सिमिलरली ये दरवाजा बंद है, इसको मैंने खोलना है जी, तो मैं फोर्स पुश करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो ये आपका R इस डायरेक्शन में, फोर्स इन दैट डायरेक्शन है, तो क्लॉक टॉर्क आपका अपवर्ड्स आ गया। अपवर्ड्स क्लॉक का क्या मतलब है जी, मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज, देखे पुल कर रहा हूं दरवाजा खुल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कहते हैं। दोबारा देखिए जी, ये आपका आर, ये एफ, अपवर्ड्स, देखिए अपवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, ये दरवाजा एंटी क्लॉकवाइज गया और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव कहते हैं। समझ आई? बिल्कुल आई। तो यही टॉर्क के ऊपर बातें थी। अगर कोई छोटा मोटा एग्जांपल हुआ, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।